में से बहुत से लोगों ने मतलब अलग मतलबों से हिस्सा दिया है। हरि मुनि के नाम से हम उसे नहीं करेंगे। सभी मतलबों पर वेदी पर शराब भी है संदर्भ के मध्यस्थ मांग कर तेरे दबा पूरी आत्मा के साथ इन युग जीते आज्ञा
में अन्य भगतर शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वह जाने वाले थे वहां लोगों करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपने फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ों के बीच भेड़ों की तरह बेचता हूं, तो ना कैदे ना छोड़ी हाथ ना जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहां शांति के योग्य कोई होगा तो तुम्हारा शांति उस पर ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। प्यारे भाई, सारे विश्व में और आज विशेष रूप से अजनी पढ़ने के लोग आए के सभी भक्त जनों के साथ मिलकर महान संत अजनी का त्योहार मना रहे हैं और इसलिए हम सभी जन यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपसे यह प्रश्न करूंगा, कैथोलिक कलीसिया में संत क्यों है? संत लोगों का भूमिका क्या है? संत लोग हमारे कलीसिया में क्या महत्व रखते हैं? हमारे कैथोलिक कलीसिया में संत लोगों का दो महत्व है। सबसे पहले उनके जीवन का अनुसरण करने के लिए, दे हैव लिव्ड ए एक्जेम्पलरी लाइफ, उनका जीवन को अनुसरण करने के लिए, और दूसरा कारण है वे हमारे लिए मध्यस्थता करने के लिए। दो मेन कारण है हमारे कैथोलिक कलीसिया में हम संतों को आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनका त्यौहार मनाते हैं। तो ये दो कारण रहे, उनका जीवन को हमें अपने जीवन में अनुसरण करना है और दूसरे कारण है संत लोग हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। हमारे सभी जरूरतों में हम संत लोगों का सहारा लेते हैं। जैसे मैंने मिसा के शुरुआत में कहा, हमारे अजनी पढ़ने के हर परिवार भाग्यवान है क्योंकि हमारे लिए ऐसे एक महान संरक्षक संत मिला है जिनको सारी दुनिया मानती है और वह चमत्कार के संत है, और इसलिए आज हम सभी जन गर्व के साथ संत अजनी को प्रणाम करते हुए कहते हैं, संत अजनी मेरा है, मेरा परिवार का है और मेरा व्यक्तिगत जीवन का संरक्षक संत है करके हम बड़े उल्लास के साथ उनके सामने बैठकर उनके साथ वार्तालाप कर सकते हैं। और संत अजनी को सारी दुनिया में चमत्कार के संत के रूप में माना जाता है। और दूसरी चीज है, कोई भी चीजों को पाने के लिए ये महान कार्य करते हैं महान संत अजनी। और कैसे हम उम्र में बढ़ के जाते हैं उतना ही हमें संत अजनी की आवश्यकता है क्योंकि हम कहते भूल जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं फादर जी बारह बार मेरा नाम पूछते रहते हैं, पांच बार हो गया, छह बार हो गया, बार बार हमें पूछते रहते हैं आप क्या काम करते हैं। तो आज इसके लिए जवाब है, जैसे हम उम्र में बढ़ते जाते हैं आप भूल जाते हैं, और आज आज हम सभी जनों का सहजी से यादगारी के लिए पूरे हुए चीजों को पाने के लिए आप विशेष रूप से उनसे मांगे रखते हैं। बड़ा सहजादनी सिर्फ कोई हुए चीजों को देने वाला चमत्कारों के संत से भी बढ़कर सहजादनी वॉज ए ग्रेट थियोलॉजियन, इन्हें ईश्वर को जानने वाला और सबसे नम्र व्यक्ति है महान सहजादनी जिसको हम भूल जाते हैं।
So Dutton is the most humble man, and he was a great theologian. Yeshua ko jaane wala, aur sabse namr rishi hai, Saint Anthony. Aur Saint Anthony, theologian hai, Yeshua ko jaante hai, kaise? Prarthna ke dwara, manan chintan ke dwara, aur sabse badhkar Yeshua ke vachan ke madhyam se. बताया जाता है सैन एंथनी बाइबल के हर एक वचनों को एक एक शब्द कहां से लिया गया है वह अच्छी तरह जानता था और इसलिए महान सैन एंथनी ईश्वर को सबसे अधिक जानने वाला महान संत है। और हम यह भी जानते हैं कि जब सैन एंथनी फ्रांसिस के समाज में भर्ती हुआ तो सबसे पहले सैंट एंथनी को नौकरी काम दिया गया था नौकरान किचन में बर्तन मांगने के लिए किचन में बर्तन मांगने के लिए झाड़ू पोछा लगाने के लिए फिर भी वह इतने नम्र व्यक्ति का इसलिए हर जवाबदारी जो उन्हें दी गई है वह बड़े प्यार से लगन से निभाता था और वह कभी शिकायत नहीं करता ही नहीं कंप्लेन किसी के बारे में नहीं किसी कार्य के बारे में नहीं वह हर बातों को स्वीकार करता था और कभी शिकायत नहीं करता था। सैंट एंथनी से हमें सीखने का क्या सीखते हैं सैंट एंथनी से मॉरल तभी हम भी सैंट एंथनी के समान नम्र रहने की जरूरत है। हर कार्य जो हमें दिया जाता है ईश्वर के नाम से बड़ी खुशी से हमें करना है और कभी हम अपने जीवन में बहुत से कमियां हमारे बीच में हमने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो परिपक्व है हर व्यक्ति के जीवन में परिवार में बहुत से कमियां है हमें कभी शिकायत नहीं करना है स्वीकार करना है और आगे बढ़ने के लिए हमें निरंतर कार्य करते रहना है। और सैंट एंथनी बाइबल के इतने बड़े महान विद्वान थे उन्हें बताया जाता है इज द हैमर ऑफ हेरेटिक्स जो लोग धर्म का विरोध करते थे और ऐसी लोगों के पास उन्हें भेजा जाता था। और सैंट एंथनी बताया जाता है जैसे हथौड़ा चट्टान को तोड़कर टुकड़ा टुकड़ा कर देती है वैसे हेरेटिक लोग जो लोग धर्म को नहीं मानते हैं प्रभु में विश्वास नहीं करते हैं ऐसे कठोर दिल वालों को दिल को तोड़कर उनके दिल में ईश्वर के प्रति वचन के प्रति भक्ति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए भेजा जाता था और वह कार्य को अच्छी तरह निभाता था। हम देखते हैं सैंट एंथनी का महान चमत्कार बहुत से चमत्कार उन्होंने किया है अपने जीवन काल में। मैं एक दो चमत्कारों के बारे में बताना चाहता हूँ। एक बार ईश्वर में विश्वास ना करने वाले इटालियन हेरेटिक्स सैंट एंथनी को बुलाकर उनके भोजन में पॉइजन मिला के उन्हें मार डालने के लिए भोजन में पॉइजन डालकर उन्हें खाने के लिए दे रहे थे। सैंट एंथनी उस भोजन पर एक क्रूस का चिन्ह मात्र किया और उस भोजन को खाया कुछ नहीं हुआ और इतने कठोर विरोध करने वाले जब इस भोजन सैंट एंथनी ने खाया उन्होंने विश्वास किया। दूसरी और एक चमत्कार है एक लड़का जवान लड़का 20-25 साल का अपने सैंट एंथनी से पाप स्वीकार किया यह कहते हुए मैंने मेरे मरने को लात मारा है उस समय आकर मैंने मेरे मरने को लात मारा है तो सैंट एंथनी ने सैंट एंथनी ने उनसे कहा ऐसे लोगों को पैर काट कर टुकड़े करना चाहिए और ये लड़का लड़का का सच में अपने पैर काट दिया और ये खबर सैंट एंथनी को पता चला कि इस लड़के ने ऐसा ही बाथरूम में पैर काट दिया तो सैंट एंथनी तुरंत जाकर उस पैर को तोड़ देता है फिर से दे देता है। हालेलुया हालेलुया ईश्वर का महान सैंट एंथनी ऐसा चमत्कार करते हैं ऐसा वह एक बार है जहां सैंट एंथनी प्रचार कर रहे थे और उसी समय उनका दूसरा अपॉइंटमेंट था उनके संस्था में प्रार्थना चलाने के लिए
जब यह पता चला कि सरदारजी को उपदेश देते समय दूसरे जगह पर भी प्रार्थना चलाने के लिए रहने का सरदारजी ने चमत्कार किया, एक ही व्यक्ति एक ही समय पर दो जगह पर उपस्थित रहा, भाई लोकेशन एक ही समय पर दो जगह पर उपस्थित रह सकता है और कार्य कर सकता है। हमेशा ऐसा कोई व्यक्ति है तो एक ही समय में दो जगह पर रहकर कार्य कर सकता है और ये महान सरदारजी के जीवन में संभव है। और एक चमत्कार आप सभी ने जुड़े होंगे, तीन दिन के बाद जब गरीब भूखे प्यासा है वह उपवास करने के लिए नहीं जाता है, जब उपदेश लेकर सरदारजी उस गधे के सामने जाकर आदेश देते हैं कि गधे तुम्हारा जीवित परमेश्वर इस रोटी में उपस्थित है, सर झुकाओ नमन करो, गला ताश करने के लिए पानी पीने के लिए भूखे प्यासे रहने के बाद भी वहां नहीं जाता है, पर सरदारजी के आदेश को सुनकर जीवित परमेश्वर जो यूपरिस्ट में उपस्थित है उसके नमन करने के लिए चुप जाता है और नमन करता है। तो इस प्रकार अनेकों व्यक्ति हमारे व्यक्तियों के जीवन में यह चमत्कार हुआ है। और एक चमत्कार सरदारजी जब उपदेश दे रहे थे, बाकी सभी जगह पर अच्छे से पानी गिर रहा था, हमारा जहाँ सरदारजी ने उपदेश दे रहे थे वहां पानी नहीं गिरा लोग गिरने के लिए, ये भी महान सरदारजी का कार्य है। यह चमत्कार तो हम लोग भी ना अनुभव किया है, पिछले दो साल से हम देख रहे हैं सरदारजी के बरों में ना तूफान है ना पानी है, ये क्लियर संकेत है सरदारजी हमारे साथ है और हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस प्रकार सरदारजी को हमें महान संत के रूप में अनुभव करते हैं। हमारे एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में और ऐसा एक बार हुआ, सरदारजी महान प्रचारक थे, डोमिनिकन और फ्रांसिस्कन दो समाज के लोग, बहुत से लोग फादर बन रहे थे, ऐसे समय पर विशेष व्यक्तियों को बुलाया जाता है उपदेश देने के लिए, पर समय आने पर निश्चित व्यक्ति जो भी फादर नहीं आया उसी वक्त सरदारजी को बुलाया जाता है और वो इनके जगह पर उपदेश को, और उन्होंने उपदेश देकर जितने भी लोग गिरजाघर में आजित थे सबों को अक्षत में डाल दिया है। इस प्रकार सरदारजी बाइबल के हर एक वचनों को अच्छी तरह जानते थे और ईश्वर के वचनों को प्रचार कर रहे थे। जब सरदारजी प्रचार करते हैं सबों के दिल में ईश्वरीय वचनों की आग लग जाता है और ईश्वर के वचनों को बड़े प्यार से वे सुनते हैं। और इस महान सरदारजी के तस्वीर की ओर आप दृष्टि लगाते हैं, महान सरदारजी के हाथों में इधर है या नहीं मालूम नहीं, पर सरदारजी के हाथों में एक हाथ में बाइबल और बालकेश्वर और दूसरे हाथों में लिली फूल रहता है। कभी क्या लिली फूल है कि तो लिली फूल का मतलब क्या है? लिली फूल यही संकेत है शरीर मन आत्मा में सरदारजी पवित्र रहे, होली मैन शरीर बिल्कुल पवित्रता के प्रतीक है। और यदि हम इतनी बड़ी संख्या में सरदारजी के आदर करते हैं, मैंने शुरुआत में कहा दो कारण है हमारे कैथोलिक कलीसिया में संत लोगों के महत्व, उनके जीवन का अनुसरण करने के लिए आगे हमारी मध्यस्थता करेंगे। तो अनुसरण करने के लिए हमारे व्यक्तियों के जीवन में दिल्ली को यही संकेत देता है, महान सरदारजी के समान हम सबों को अपने शरीर मन और आत्मा को पवित्र रखना है, क्योंकि हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा हमें वास करते हैं और इसलिए हम अपने शरीर को विचार के लिए दारू नशे के लिए हर प्रकार के बुराइयों के लिए नहीं दे सकते हैं। इसलिए संत पौलुस हमें बताते हैं, आप मेरा बात सुनिए, क्या आप यह नहीं समझते आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर,
कि हमारे साथ रहना है तो हमारा शरीर को हमें हमेशा पवित्र रखना है। और इसलिए संतांजलि के त्योहार साल में एक बार बनाने मात्र पर्याप्त नहीं, पर संतांजलि के सद्गुणों को हम अपने जीवन में अपना कर निरंतर में प्रयास करना है। अपने शरीर में जीवन जो कुछ बुराइयां हैं, शरीर संबंधी बातों में जो गलतियां हैं, उसे सुधारने के लिए और शरीर को पवित्र रखने के लिए। दूसरी बात, हम संतांजलि के हाथों में देखते हैं खुले बाइबल। खुला बाइबल का मतलब है कि प्रभु यीशु पर शारीरिक रूप में अति आनंद के साथ में प्रभु यीशु को बहुत प्यार करते थे। दूसरी बात, खुले बाइबल का संकेत है कि संतांजलि लगातार निरंतर अपने जीवन में बाइबल का वचनों को पढ़ते थे और संतांजलि के हाथों में बाइबल के ऊपर बालक यीशु कहाँ से आया। मैं बहुत से लोगों को बार बार ये बताता हूँ, संतांजलि के बाइबल के ऊपर बालक यीशु इसलिए आया क्योंकि वचन कहता है आदि में शब्द था, शब्द ही ईश्वर था। और वही शब्द जब संतांजलि बार बार पढ़ते हैं, शब्द ही देव बनकर बालक यीशु के रूप में उन्हें दर्शन दिया। एंजल्स प्रार्थना में भी हम यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शब्द देव बना वह हमारे बीच रहा। बाइबल का ये वचन जब कभी हम पढ़ते हैं, स्वयं यीशु के वचनों को पढ़ते हैं और जब संतांजलि के समान लगन से गहराई से ईश्वर के वचनों को आदर सम्मान करते हुए पढ़ते हैं, वही शब्द देह बनकर स्वयं प्रभु यीशु के रूप में दर्शन देगा। क्योंकि यदि संतांजलि के साथ ऐसा हुआ तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। और इसलिए हम बार बार आपको प्रोत्साहित करते हैं, घर में रोज कम से कम थोड़ा समय बाइबल निकाल कर ईश्वर के वचनों को हमें पढ़ना चाहिए। बाइबल ईश्वर का वचन, स्वयं प्रभु यीशु है, स्वयं प्रभु ईश्वर है। और जब हम वचनों को पढ़ते हैं, वचन के द्वारा प्रभु यीशु हमारे दिल में जीवन में उतरते हैं, ना केवल परम प्रसाद के रूप में यीशु को हम अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, पर जब हम बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं, दोहराते हैं, तो यीशु जो शब्द है हमारे दिल में प्रवेश करते हैं। इसलिए वचन को दोहराने के लिए गिरजाघर में जब मैं वचन दोहराता हूँ, खुशी से आनंद के साथ ईश्वर के वचनों को दोहराइए, क्योंकि यह स्वयं ईश्वर है और ईश्वर हमारे दिल में उतरते हैं। क्या आप यह नहीं चाहते, क्या हम यह नहीं चाहते कि आपके दिल में ईश्वर उतरे? जी हम सभी यह चाहते हैं, ईश्वर मेरा दिल में आए, मेरा जीवन में आए, मेरे साथ रहे। और यीशु हमारे दिल में जीवन में आते हैं जब हम वचन पढ़ते हैं। इसलिए आपसे फैमिली परिवार के रूप में, व्यक्तिगत रूप में हो सके तो हम रोज बाइबल पढ़े। और यहाँ तक भी यदि आप आगे जाते हैं, छोटे से बाइबल अपने साथ रखे, जब लंच ब्रेक होता थोड़ा समय होता है, ईश्वर के वचनों को पढ़कर ईश्वर की उपस्थिति का अपने जीवन में अनुभव करने के लिए छोटे छोटे वाक्य आप पढ़ सकते हैं। और संतांजलि के हाथों में बालक यीशु को हम देखते देखते हैं, इसके अलावा और क्या देखते हैं संतांजलि के जीवन में? पहले उनके जीवन शैली को हमें पालन करना है, अनुसरण करना है। संतांजलि के कमर में रोजरी माला है, अग्नि गिलबर्ट रोजरी माला अग्नि, तो उसे प्रकार हम अपने कमर में नहीं, कम से कम अपने जेब एक रोजरी माला हमेशा रखना चाहिए। रोजरी माला माता मरियम का उपस्थिति का एहसास है और जहाँ माता मरियम रहती है वहाँ शैतान इतनी आसानी से नहीं आ सकता है। बाइबल में हम पढ़ते हैं माता मरियम शैतान का सर को कुचलने वाली है, इतनी ताकत है, सामर्थ्य है रोजरी माला माता मरियम की उपस्थिति हमारे साथ। ना केवल यीशु हमारे साथ रहते हैं वचन के द्वारा, पर माता मरियम भी हमारे साथ रहना चाहती है। और जब बेटा बेटी के साथ माँ रहती है और उस बच्चे के जीवन में कोई आपत्ति मुसीबतें नहीं आ सकती है,
और ऐसी माँ कौन है जो अपने बच्चों को गड्ढे में गिरा सकती है, जैसे छोटे बच्चों को ना हाथ पैर में चलाती है, रास्ता दिखाती है, उसी प्रकार माता मरियम के रोजरी माला चक्र हमारे साथ रहती है। माँ का उपस्थिति का एहसास है, शैतान हमारे जीवन में प्रलोभन को नहीं ला सकता है और हमें हर मुसीबतों में रास्ता दिखाकर आगे ले जा सकती है माता मरियम। और इसलिए रोजरी माला ना केवल रखता है, कम से कम दिन में एक बार ऐसे फैमिली परिवार के रूप में या व्यक्ति के रूप में रोजरी माला हमें दोहराना चाहिए। और संत एंथनी के ब्रेड नौ दिनों से हम बहुत ब्रेड काफी करते हैं और कभी हम करते नहीं ब्रेड काफी। संत एंथनी क्या ब्रेड इतनी आशीष है, पर व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड, हाउ मच संत एंथनी के नौ रोजे प्रार्थना में और आज त्योहार के दिनों में रोटी क्यों बांटते हैं, यही संकेत है, यही मतलब है कि संत एंथनी गरीबों को बहुत प्यार करते थे और संत एंथनी के सद्गुणों को अपने जीवन में अपना कर छोटे बड़े लोग में हम भी अपने गरीब भाई बहनों को जो हमारे आजूबाजू जहाँ कहीं भी दिखे हम उन्हें मदद करना चाहिए। ये रहे संत एंथनी का जीवन हमारे जीवन में। इन सभी बातों के द्वारा संत एंथनी से हम और भी सीख सकते हैं। संत एंथनी अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति समर्पित थे, ईश्वर के प्रति समर्पित थे, इसलिए हम भी अपने जीवन में ईश्वर के प्रति समर्पित रहना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समर्पित रहना है, ईश्वर के प्रति अपने आप को संपूर्ण रूप से देना है। उदाहरण के लिए जब आप हर संडे और जब कभी हम हिस्सा में आते हैं ईश्वर के प्रति समर्पित रहने का प्रतीक है समय से पहले हाजिर होना है, समय से पहले हाजिर होना है, ये समर्पण के प्रतीक है। संत एंथनी ईश्वर के प्रति समर्पित थे, वैसा हम भी कोशिश करेंगे प्यारे भाई बहनों हर मिसा बलिदान के शुरुआत में मिसा बलिदान में आने के लिए। संत एंथनी के प्रति समर्पित रहने का मतलब है कि यदि मेरा परिवार जन मिलकर हमने योजना बनाई हमारे घर में मेरे घर में रोज 7 बजे या 7:30 बजे जो भी समय आपने तय किया है मेरे परिवार में प्रार्थना होना है, परिवार की प्रार्थना और ईश्वर के प्रति समर्पित रहने का मतलब है उस समय पर परिवार के लोग मिलकर एक साथ प्रार्थना करना, ये समर्पित होना है ईश्वर के प्रति समर्पित। और इसमें दुनिया के इधर उधर इधर उधर क्यों ना हो जाए, यदि आपने समर्पित किया है परिवार के लोग में 7:30 बजे अपने घर में रोजरी माला संध्या वंदना होगी और होगा ही है और होना ही है, तभी समर्पित कोशिश कीजिए हम संत एंथनी के जीवन को अनुसरण करते रहिए संत एंथनी के समान समर्पित रहने के लिए। और संत एंथनी के जीवन से हम यह भी सीख सकते हैं कि संत एंथनी यूकारिस्ट के बड़ा भक्त थे, परम प्रसाद में उपस्थित यीशु संत एंथनी के जीवन में बहुत महत्व रखते थे, आराधना में भाग लेते थे, हमारे चर्च में भी आराधना लिया है, हम में से बहुत से लोग के घर में बैठे रहेंगे रिटायर हुए हैं, भाई ड्यूटी छोड़कर लोग आने के लिए नहीं, यदि हम रिटायर लोग भी कम से कम रोज आधा घंटे के लिए आराधना में आ गया है तो ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण को हम दिखाते हैं। कोई ना ट्राई आज संत एंथनी के त्योहार मनाते हुए संत एंथनी के सद्गुणों को हमारे जीवन में अपना कर, क्या मैं दिन भर घर में बैठे रहता हूँ जो भी काम करते हैं इसके साथ साथ आधा घंटा मैं आराधना लेने यूकारिस्ट में उपस्थित यीशु को समय दे सकता हूँ, कोशिश कीजिए। और जब कभी हम गरीब लोगों को मदद करते हैं स्वयं प्रभु यीशु को ही अपने जीवन में खोजते हैं पैराज कर देते हैं। और संत एंथनी के जीवन से हम सीख सकते हैं सबसे पहले ईश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना है, इसलिए जैसे मध्य के समाचार में सुसमाचार में वचन 6:33 में संस्कृत मध्य में बताते हैं आप मेरा बात बोलिए सबसे पहले तुम ईश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो,
उसकी धार्मिकता के खोज में लगे रहे। तो ईश्वर के संबंध बातों में रुचि दिखाना है, ईश्वर संबंध बातों में हमें महत्व देना है और अपने जीवन में सबसे पहला स्थान ईश्वर को देना है। सरदायत्री ने ऐसा किया क्योंकि वचन भी कहता है तुम अपने जीवन में सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहना है। सरदायत्री एक बहुत बड़ा धनवान परिवार में जन्म लिया व्यक्ति है। पोर्चुगल देश में लिस्बन शहर में 1195 1195 वर्ष में उनका जन्म हुआ है और संदेह ने सिर्फ 36 साल इस दुनिया में उन्होंने दिया है और इन 36 साल के जीवन में 15 से 25 तक उन्होंने सेंट अगस्टिन समाज में बिताया और बाद में उन्होंने अगस्टिन समाज को छोड़कर फ्रांसिस्कन समाज में क्यों आए? फ्रांसिस्कन समाज में इसलिए आए क्योंकि फ्रांसिस्कन मिशनरी लोग चार जनों को मुस्लिम देश में का ईश्वर के विरोध किया करते थे वहां भेजे थे फ्रांसिस और असीसी ने और कुछ ही महीनों के बाद वो चारों दिन का हत्या हो जाते हैं, शहर में जाए शहीद हो जाते हैं और जब उनका बॉडी वापस ले आया गया है उस समय जहां से गांधी के वही घर में उसको ला कर रखी। जब सतनी के मालूम पड़ा सुसमाचार प्रचार करते हुए ये लोग अपने जीवन दिया मारते बन गए शहीद हुए तो सतनी के दिल में एक उत्साह भरा कि मैं भी यीशु के लिए क्यों ना मरो करके अगस्टिन समाज छोड़कर फिर फ्रांसिस्किन समाज में शहीद होने के लिए सुसमाचार प्रचार करने के लिए शामिल हुए। कुछ ही दिनों के बाद वो इतने बीमार पड़ गए वो कभी उसके देश में ऐसी जगह पर शहीद होने के लिए मौका नहीं मिला है पर ईश्वर ने उनकी असफलता उनकी योजना की असफलता में भी ईश्वर की योजना को संतान ने पहचाना है और वह फ्रांसिस्कन बने रहा मगर शहीद नहीं हुए मगर वह 36 साल में ही कोई बीमारी के कारण जल्दी ही मर जाता है और इस छोटी सी उम्र में 36 साल के अंदर ही सिद्धार्थ ने इतने बड़ा चमत्कार किया इतने बड़े जीवन दिया। पोप स्वामी कार्डिनल्स और बड़े बड़े लोगों ने सुसमाचार की घोषणा किया है वचन की घोषणा करने में मशहूर है मगर जब वह बीमार हो जाता है फिर वह मिशनरी बनकर जा नहीं सकता है तो सिद्धार्थ क्या करता है एक साल का ब्रेक लेता है मुझे पहाड़ पर चढ़कर आपने ईश्वर को मेरे जीवन से क्या चाहता है करके एक साल अकेला जीता है जंगल में माउंटेन के ऊपर और वहां ईश्वर ने दर्शन देकर कहता है योर कॉल फॉर समाधान पर्पस। इसलिए सिद्धार्थ ने इस वचन को अपने जीवन में पालन किया जो पढ़ते हैं शोध ग्रंथ 46:11 में आप मेरे बात बोलिए शांत हो और जान लो कि मैं ही प्रभु हूँ। तो एक साल सिद्धार्थ ने शांत रहा प्रभु यीशु को जानने के लिए ईश्वर की इच्छा मुझे क्या है पहचानने के लिए एक साल शांत रहा प्रभु के सानिध्य में बैठे रहा और जब हम आराधना में चर्च में आते हैं आराधना बड़े मुश्किल से बात बेचैन हो जाते हैं हमें क्या करना मालूम नहीं मगर सिद्धार्थ ने एक साल प्रभु के संगति में बैठे रहा प्रार्थना करते रहा और इस प्रकार जैसे वचन कहता है शांत हो और जान लो मैं ही प्रभु हूँ। ईश्वर को जानने के लिए हमें शांत होने की जरूरत है ईश्वर के सानिध्य में बैठने की जरूरत है ईश्वर हमारे जीवन से हमसे क्या चाहता है ईश्वर की इच्छाओं को पहचानने के लिए प्यारे भाई बहनों शांत होकर प्रभु के सानिध्य में बैठना अनिवार्य है और सिद्धार्थ ने वैसा ही किया। यदि हम सिद्धार्थ के जीवन को पालन करते हैं अनुसरण करते हैं तो सिद्धार्थ हमें सिखाता है उन
उनके भक्त बनकर उनके समान पवित्र बनने के लिए हम सबों को भी यीशु के सानिध्य में यूक्रिस्ट के सामने बैठना, सिर्फ बैठना, दूसरा कुछ नहीं करना है। शांत हो और जान लो कि वही प्रभु ईश्वर हो। ईश्वर अपने आप को हमें प्रकट करते हैं, अपनी योजनाएं हमें बताते हैं और जब ईश्वर के सामने शांत होकर, इसलिए आराधनालय हम सबों के लिए एक पावर हाउस है प्यारे वाणिज्य तरुण, पावर हाउस। यदि पावर हाउस में ही हमारा संबंध नहीं है तो हमारा घर उजार जलना होकर जल नहीं सकता है। हमारा ये घर बिजली जो जलता है लाइट, ये पावर हाउस से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार हम क्रिस्तीय जीवन में पावर हाउस है यूक्रिस्तीय उपस्थिति, और जब हम यूक्रिस्त प्रभु यीशु जो पावर हाउस है उनके साथ जुड़े रहते हैं तो हमारा परिवार के जीवन में उजाला बने रहता है। हमारे परिवार में जितने कोने कोने में जो अंधेरा है, जो पाप है, जो बुराई है, वह दूर होते जाता है, क्योंकि वी आर यूनाइटेड विद द पावर हाउस। इसलिए यूक्रिस्त के साथ हम सबों को जुड़े रहना है और हमारे जीवन को उज्ज्वल बनाना है। और जब हम जुड़े रहते हैं हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, परिवार के जीवन में जो अंधेरा है, जो पाप है, जो बुरी आदत है, जो कुछ ईश्वर के राज्य के लायक नहीं है, वो सब दूर होते जाता है। बी यूनाइटेड इन द पावर हाउस। प्रभु यीशु जो पावर हाउस है जहाँ से हमें शक्ति मिलता है, शांति मिलती है, और इसलिए शांत होकर प्रभु के सामने बैठकर प्रभु से शक्ति सामर्थ्य को हमें ग्रहण करना है। संत AJNI का जीवन का दो रहस्य आज मैं आपको बता रहा हूं। इतने महान संत कैसे बने, सारी दुनिया इनको मानती है। ऐसे कितने लोग हैं, संत लोग हैं, सारी दुनिया नहीं जानती है। और संत AJNI को दुनिया के कोई भी कोने में जाओ, संत AJNI को तुरंत बताएंगे। इतने महान 36 साल के अंदर इतने महान संत कैसे बन सके, दो रहस्य बातें ध्यान से सुनिए। सबसे पहले संत AJNI इतने महान संत इसलिए बन सके क्योंकि ही वाज द लवर ऑफ यूक्रेस्ट। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु के साथ उनका प्यार भरा संबंध, ये गहरा रिश्ता था। लव द यूक्रेस्ट, परम प्रसाद को बहुत लोगों ने प्यार किया, परम प्रसाद के सामने उन्होंने समय दिया है और हमेशा प्रभु के सामने बैठता था। दूसरा है टेंडर डिवोशन टू मेरी माता मरियम के प्रति एक विशेष प्यार भरा संबंध है, इसलिए उनके कमर में रोजरी मना देखते हैं। ये दो रहस्य यदि हमारे जीवन में भी है तो समझ लीजिए प्यार बैठे तभी ना कुछ दिनों के बाद हम सबों को जूनियर AJNI का भी बुला सकते हैं। हम सभी जन जूनियर से AJNI बन सकते हैं यदि संत AJNI के इन संबंधों को लोकल यूक्रिस्ट उपस्थित संस्कार में प्रभु यीशु यूक्रिस्ट में उपस्थित प्रभु यीशु को प्यार करना और माता मरियम के प्रति विशेष भक्ति दिखाना है। संत AJNI ने यही किया और इसलिए वह महान संत बने। और इसलिए महान संत AJNI को पोप स्वामी 22 बार मैंने क्या किया, 1 साल के अंदर दुनिया में ऐसा कोई संत नहीं है जिसको 1 साल में संत बनाया गया। संत AJNI जो 1 साल के अंदर घोषणा किए कि ये महान संत है, इसलिए संभव हुआ क्योंकि उनका जीवन ऐसा रहा। और इसलिए हम संत AJNI के नाम के केवल भक्ति करेंगे और उनके सद्गुणों को हमारे जीवन में पालन करते हुए माता मरियम के प्रति विशेष भक्ति दिखाकर उपस्थित प्रभु यीशु को प्यार करना हमें सीखे तो हमारे जीवन में भी परिवार में भी बहुत से चमत्कार हो सकते हैं। आज संत AJNI के पास हजारों की संख्या में लोग आते हैं, मांगते हैं, चमत्कार तो होती रहती है। उसी प्रकार हमारे एक व्यक्ति संत AJNI के चमत्कारों को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। इस आप फ्रेंड जिस दुनिया की फ्रेंड लोग सहित कभी हमारे साथ रह सकते हैं, कभी नहीं भी रह सकते हैं। 24 घंटे से दुनिया के दोस्त लोग हमारे साथ नहीं रहते हैं सीमित समय के लिए, पर संत AJNI ऐसा हमारे लिए एक फ्रेंड है। ये ना केवल अपने कलीसिया के संत है, हमारी एक व्यक्तियों का व्यक्तिगत ही से फ्रेंड, हमारे परिवार का दोस्ती है। क्यों? क्योंकि संत AJNI हमारे साथ लगातार निरंतर हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि संत AJNI हमारे जीवन की यात्रा में
साथ रहते हैं यात्रा को सफल बनाने के लिए। संत अहंत ने हमारे खोए हुए नौकरी को फिर से दिलाता है, और यदि हमें किसी किसी को पहली बार नौकरी रखना है संत अहंत के सहारे लेते हैं, वो नामे जीवन के सही पत्र पर लगाकर नौकरी लेता है, निरंतर हमारे साथ रहकर हमें जीवन की यात्रा को सफल बनाता है, और निरंतर संत अहंत ने हमारे साथ रहकर हमें अच्छे स्वास्थ्य देता है, हर बीमारी में वह हमारे सहायक बनकर हमारी प्रार्थना करता है। और हमारे बीच में ऐसी कितनी माता लोग हैं जो अपने बेटी के लिए वर की खोज करते हैं और संत अहंत ने वर वध की व्यवस्था करता है, जिन्हें जीवन के हर क्षेत्र में संत अहंत ने हमारी मदद करना चाहता है। इसलिए मैं कहता हूँ संत अहंत ने हमारा पर्सनल व्यक्तिगत दोस्त है, दुनिया की दोस्तों के अलावा आप हर एक व्यक्ति संत अहंत ने को अपना व्यक्तिगत फ्रेंड बनाइए। इज अ फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड है, व्यक्तिगत फ्रेंड है, और हर जरूरत में उनके सामने जाइए। यू आर दिस प्लस आज एक लड़का फादर जी मुझे नौकरी लगना है, मेरे पास मत बोलो, जाकर संत अहंत से बोलो आज त्योहार का दिन है, क्योंकि संत अहंत ने आज के दिन भरा है मंगलवार, संत अहंत का दिन इसलिए है क्योंकि दिस इज द डे ही डाइड। आप जितने भी लोगों ने उनके मरने के दिन संत अहंत के पास आया और उसका दर्शन किया, कुछ ना कुछ चमत्कार हुआ करके हम पढ़ते हैं, और इसलिए आज जितने भी लोगों ने संत अहंत के पास आया कार्य नहीं जाएंगे। आप वरदान मांगिए, शारीरिक वरदान से बढ़कर आत्मिक वरदान मांगिए, जैसे संत अहंत ने दो आत्मिक की चीजें किए, यूक्रिस्ट में उपस्थित प्रभु यीशु की प्यार करना है और माता मरियम की भक्ति करना है। जब यीशु हमारे जीवन में आ जाएंगे, माता मरियम हमारे जीवन में आएंगे, फिर हमारे जीवन में किसी बात की कमी नहीं होगी। जरूर शारीरिक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना कीजिए, नौकरी के लिए, शारीरिक के लिए, बीमारी से मुक्त होने के लिए, इसके अलावा आत्मिक वरदानों के लिए भी आज संत अहंत से प्रार्थना कीजिए और आपकी मांगे पूरी होगी। 100% गारंटी है, विश्वास में तो आप मांगिए, संत अहंत हमें वही प्रदान करेगा। और संत अहंत का मृत्यु 36 साल में जून 13 तारीख को 1231 में समाप्त हो जाते हैं, और मरने से पहले प्रभु यीशु उसे दर्शन देकर हिम्मत बांधते हैं, संत अहंत ने अभी आपके समय पूरा हो गया है, वापस आना है, और बड़े प्यार से संत अहंत ने अपना अंतिम सांस छोड़ते हैं। आज के दिन मंगलवार को, इसलिए संत अहंत के दिन हम मंगलवार को मनाते हैं, और तब से लेकर आज तक और दुनिया के हद तक संत अहंत के क्या दिन करते रहेंगे और उनके पास आने वालों का मांगे पूरे होते रहेंगे, क्योंकि अपने जीवन काल में संत अहंत ने प्रभु के लायक जीवन जिया, प्रभु यीशु को अधिक प्यार किया, वचन में प्यार किया, बाइबल में प्यार किया, वचन की घोषणा की, और माता मरियम जो यीशु की माँ है उसे भी प्यार किया रोजमाला के द्वारा। और जब हमारा जीवन वचन के मुताबिक है और जब हम वचन के मुताबिक जीते हैं इस दुनिया में, और स्वर्ग जाने बात तो क्या है, हम जो कुछ मांगेंगे यीशु हमें देना ही है। और इसी प्रकार संत अहंत ने अपने जीवन के अनुसार, यीशु की इच्छा के अनुसार जीवन किया, और इसलिए आज वह हजारों की संख्या में जितने भी लोग भक्तजन के पास आते हैं उनके मांगे रखते हैं, संत अहंत ने उनके लिए प्रभु से मांगे, प्रभु कभी इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि संत अहंत ने यीशु की इच्छा को कभी इनकार नहीं किया है। इस धरती पर रहते समय संत अहंत ने ईश्वर की हर इच्छा को पूरा किया, आज्ञाओं का पालन किया, माता मरियम को प्यार किया, और इसलिए स्वर्ग जाने के बाद नहीं संत अहंत ने की पाई है यीशु को पैर खींचने के लिए। हर जरूरत जो भी भक्तजन संत अहंत से मांगते हैं यीशु उनके पैर पकड़ खींचता है, मेरा बेटा बेटी के जीवन में इन चीजों की जरूरत है पूरा कर, और यीशु को करना ही है, क्योंकि अपने जीवन काल में संत अहंत ने यीशु की इच्छा को पूरा किया। अभी संत अहंत जी की इच्छा को यीशु पूरा करते हैं जब हम अपनी जरूरतों को उनके सामने रखते हैं, और संत अहंत मरने के बाद आज भी उनका जीवन जिंदा है, लाल है। संत गोरा में चलने संत अहंत का जीव को किस करते हुए चुंबन करते हुए कहा, ये महान संत अहंत ने आपकी जीव ने सारी दुनिया में
नफरत लोगों को ईश्वर के विरोध करने वालों को सुसमाचार सुनाकर उनके दिल में परिवर्तन लाया और आप आज आपका जीव पवित्र है करके चुनर देकर कहता है। और इसी प्रकार यदि हमारा जीव जो अंग ईश्वर ने हमें दिया है जिसमें अड्डी नहीं है बड़ी सरलता से फिसल जाती है क्या संक्रांति के आनंद भक्ति करते हुए उनका अनुसरण करते हुए हमारा की कभी बुराई ना करे हमारे जीव को एक दूसरों को गाली देने के लिए नहीं हमारे जीव से दूसरों की बुराई करने के लिए नहीं इस्तेमाल कीजिए अपने जीवों को ईश्वर की महिमा करने के लिए इस्तेमाल कीजिए अपने जीवों को ईश्वर के वचन की घोषणा के लिए। जब इस प्रकार अपने जीवन में दिए हुए शरीर के अंगों को जब हम ईश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं ईश्वर हमसे प्रसन्न होता है और हमें आशीष देता है। और लगातार हम देखते हैं हम कोशिश भी करते हैं दूसरों की बुराई ना करने के लिए पर यूं ही गिरजा से बाहर निकलते हैं उसने ऐसा किया इसने ऐसा करता था इसको ऐसा बोल रहा था फिर हम एक दूसरों को न्याय करने लगते हैं। दिया क्या न्याय दबेनो जीव ईश्वर के द्वारा दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। और याकूब कहते हैं जीव हमारे जीव एक आग के समान है जो गलत शब्द निकल जाते हैं एक दूसरों की बुराई निकल जाते हैं और छोटी सी चिंता जलन जैसे आग लगाती है वैसे हमारे जीव से निकला हुआ पूरी शब्द एक दूसरों की बुराई आग बनकर सारी दुनिया में फैल जाती है। एक दूसरों के नाम पर बदनाम करते हैं जो यीशु हमसे जीव इसलिए नहीं दिया कि हम एक दूसरों की बुराई करें एक दूसरों को न्याय करें। प्यारे भाई हमारे जीव को एक दूसरों की बुराई करने के लिए नहीं एक दूसरों के न्याय करने के लिए नहीं मगर ईश्वर की महिमा के लिए प्रार्थना के लिए वचन की घोषणा के लिए एक दूसरों के बारे में अच्छा बोलिए। ईश्वर ने हमें जीव इसलिए दिया है दिया ये सभी सद्गुणों को हारिए हम अपने जीवन में अनुसरण करते हुए संत अंजनी के समान हम भी महान भक्त बने प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार जीने के लिए हमारे शरीर के हर एक अंगों को पवित्रता में रखने के लिए हम प्रयास करेंगे। और संत अंजनी से आज महान संत अंजनी से चमत्कारों के शब्द से अपने कुछ भी मांगे रख सकता ऐसा कोई मांग नहीं जो संत अंजनी पूरा नहीं कर सकता है मगर हमें यीशु की इच्छा के अनुसार जीना चाहिए इसी के लिए आइए हम प्रार्थना करें।